हेलो गाइस, की हालचाल है। आगे आपके साथ एक और न्यू ब्लॉग ले गए, बहुत सेंटी सा जो कि ब्लॉग है। ठीक है, हमने पिछला ब्लॉग देख लिया था कि मैं जा रहा हूँ, और कहाँ पे जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद बताऊँगा, बच्चों सुबह ही है ना, तो सुबह सुबह शोर हो रहा है ना, तो इसीलिए थोड़ी देर बाद मैं बात करता हूँ। हाँ जी गाइस, दोपहर हो चुकी है, पता है सुबह मिला था आपसे मैं, और अब मिला हूँ। ओके, पर जो शोर सुबह हो रहा था वो अभी भी हो रहा है। अभी तो आज तो बंद है, लेकिन मैंने अपनी पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी है, जो कि दिखाऊँ दिखा दूं। एक तो ये लड़का, हाँ भाई साहब कैसे हो? नहीं सही है भाई साहब, ये देखो गाइस, अपनी पूरी पैकिंग हमने स्टार्ट कर दी है इस बैग के अंदर। देखते हैं कितना वज़न होएगा इसमें। कितना होएगा भाई साहब वज़न? 4-5 किलो। देखते हैं गाइस, पैकिंग पूरी कर लें पहले, उसके बाद देखेंगे कितना वज़न बनेगा। ओके, तो गाइस हमारी पैकिंग हो चुकी है स्टार्ट। ठीक है जी, जो कि अभी ये देखो तौलिया, उसको बोलते हैं तौलिया, इन टॉवल्स। पता नहीं उसके अंदर मेरी आवाज़ आ रही होगी तो दूसरा नहीं आ रही होगी, बट आई थिंक आ रही होगी। ठीक है, पूरी पैकिंग कर देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि कितना वजन है बैग के अंदर। ओके चलो, करते हैं हम आपसे पैकिंग करने के बाद, कट कर दो। तो गाइस, एक मेन चीज़ जो कि मैं रख रहा था, पैकिंग कर रहा था, लेकिन मुझे एकदम याद आया कि ट्रैवलिंग पे क्या क्या ले जाना चाहिए। आप लोगों को भी तो बता दूं मैं कि क्या क्या लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो पावर बैंक, जो मेरा एक ही बार फ़ोन चार्ज करेगा। ये सारे फ़ोन दो दो तीन तीन बार चार्ज कर सकता है, बट मेरा फ़ोन पता नहीं एक ही बार चार्ज कर रहा है। ओके, और चॉकलेट्स भी आप ले जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और सबसे मेन चीज़ जो है ये देखो, शूज़ भी नॉर्मल नहीं है, ये है कैसे शूज़ है भाई साहब बताओ, तीसरे से बता दो। ट्रैकिंग वाले शूज़ हैं ये, हाई ग्रिप, कि अगर आप थक जाते हो तो आपको उड़ा के भी ले जाएंगे, वो वाले हैं ना, रेड बुल लगाए हैं इसमें। बादशाह फिल्म देखी है, उसमें वो जूते चिपक जाते हैं, बिल्कुल सेम ही वही वाले जूते हैं। ठीक है, अरे मतलब कि भाषण दे रहा हूँ मैं, ऐसे ही ट्रैकिंग शूज़ है जिनकी ग्रिप अच्छी है। ठीक है, क्योंकि बिना ग्रिप के जूते अच्छे नहीं होते। मेरा वो भी चार्ज हो गया, उसे भी निकालना है, बस मुझे इतनी बात करनी थी। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, मेरा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ओके बाय बाय। तो गाइस, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं, और मैं व्लॉग बनाना बीच में भूल गया था, इसलिए काफ़ी टाइम के लिए गायब हो गया था। ओके, अब हम चलता हूँ रेलवे स्टेशन, ट्रेन आने का टाइम हो गया बहुत देर पहले, हम लेट चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, ठीक है, भीड़ दिखाऊँ कितनी है। लड़का प्लेटफॉर्म टिकट ले आया, और भीड़ देखो गाइस इतनी है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, अपनी ट्रेन का टाइम हो गया है, जल्दी फास्ट चलने हैं हम। ओके लेट्स गो, ट्रेन में चल के बात करते हैं। खूबसूरत गाइस, तो गाइस आ गए आज मेट्रो, सॉरी रेलवे स्टेशन पे। हाँ भाई साहब, अब बता तू क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह सकता। चल दिया गाइस, ये अपनी ट्रेन जल्दी दूसरी वाली चल दिया गाइस। ठीक है ना, काफ़ी टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, तो इसलिए आलसी बिल्कुल बंद हो गई। ओके, और क्या बात करूँ, बैक कैमरा करके बात करता हूँ। हाँ जी, ये अपनी जो पहुँचाएगी, ये देखो नंबर है, ये टाटा नगर जाट एक्सप्रेस। ठीक है, तो गाइस क्या बोलना चाहोगे आप? ठीक है गाइस, लड़का बेशरम हो रहा है ज़्यादा ही, तो चलो करते हैं आपसे बाद में बात, अलविदा। तो लड़का बैठ चुका है, पूरी सो रही है पब्लिक, क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो चल बहुत है, ले बैठने में थोड़ी दिक्कत है भाई। ठीक है चलो लड़के को बाय बाय करते हैं, टाटा। हाँ जी, सुबह हो चुकी है, पता नहीं इसमें आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, पहले आवाज़ चेक करता हूँ फिर बात करता हूँ। ठीक है, आ रही है आवाज़, तो पूरी रात हो गई बैठे बैठे, 8:30 बज गए अब। ठीक है, अंधेरा हो रहा है वैसे, यहाँ दिखाऊँ तो मैंने छोटी सी लाइट जला रखी है, ये वाली वीडियो बनाने के लिए बस, वैसे तो बंद पड़ी है ये भी। ओके, बहुत लेट पहुँचाएगी ये ट्रेन मुझे,
2 बजे दोपहर को, 2:30 भी बज सकते हैं, 3 भी बज सकते हैं, ठीक है। मैं पूछ के व्लॉग एंड करूँगा ये वाला, छोटा सा बनेगा, उसके बाद तो कंटिन्यू व्लॉग बनाऊँगा। ओके, फिर कैसे पढ़ाऊँगा दिखाऊँ। ये देखो बैग, ये रही दोनों, यही बैग लेके कैसे चलूँगा समझ में नहीं आ पा रहा, लेकिन मुझे तो मुझे यही टेंशन खा रही है बस, ये बैग लेके मैं चलूँगा कैसे, ठीक है जी। जी ये देखो, काफ़ी टाइम से बारिश हो रही थी रास्ते में, मैं तो ऊपर वाली सीट पे था तो मुझे इसलिए पता नहीं, बट मैंने आके नीचे देखा ना, जब वॉशरूम के लिए भी उठाऊँ मैं, तो जब देखा कि पूरे शीशे पे पानी पानी था, और कहीं कहीं बारिश मिल भी रही है अभी, ठीक है। तो चलो सुंदर नज़ारे का हम दीदार कर लें, बाद में बात करेंगे, वहीं पहुँच के बस पहुँचने वाला हूँ अब तो थोड़ी बहुत देर में, पता नहीं कितनी देर में। गाइस ये देखो, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, मतलब वैष्णो देवी जाता हूँ, तो हमेशा मुझे यहाँ पे बीच रोड में तोप, टैंक, बड़े बड़े गाड़ी फौजियों की ये खड़ी हुई मिलती है, ठीक है गाइस। ये पिछले भी ब्लॉग में शायद मैंने आपको दिखाया था, नहीं दिखाया आई डोंट नो, बट अब की बार देख लो। चलो भाई, जम्मू तो अभी आ गया मैं, रेलवे स्टेशन पर उतर गया हूँ, ठीक है। अब ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगा, छोटा सा बनाया ना आई नो, बट 2 महीने से ब्लॉग नहीं बना रहा था मैं, बार बार भूल जाता हूँ कि मैं ब्लॉगर भी हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अब न्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगा यहीं से। ओके okay?